अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ ईद शॉपिंग हॉल। बहुत एक्साइटेड थी मैं ये वीडियो शेयर करने के लिए, एंड नाउ वेट इज़ ओवर। सबसे पहले दिखाऊंगी अपना ईद का ड्रेस, जो कि बहुत प्यारा कलर है जिसका, और ये फाइनली स्टिच हो चुका है। मैंने सोचा था जब तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना, तब मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूंगी। और ये कुछ इस तरह का मैंने सिलवाया है, साथ इसके मैंने सिल्वर कलर की लेस लगवाई है, जो कि बहुत प्यारा कम्बिनेशन है। और फ्रोजी सा कलर है इसका, जो कि हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है। नेक लाइन इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसके अलावा जी, स्लीव्स मैंने ये वाली बनवाई थी, क्योंकि मुझे ये वाली स्लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं। और स्लीव्स के आगे भी मैंने ये वाली लेस लगाई है, जो कि सिल्वर कलर की है, और देखने में डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इसका। और ये है इसकी कंप्लीट लुक। ड्रेस स्पेशली जो है ये गुल अहमद का है, और आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। ड्रेस की डिटेल्स, इनके प्राइजेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ इसकी ये वाली बैंगल्स थी, और ये इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा है ना, मुझे मैचिंग की मिल नहीं रही थी। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे इसका ये सेम कलर मिला है, और ये वाली चूड़ियाँ वाकई बहुत अच्छी हैं। और अगर आप लोग थोड़ी सी भी चूड़ियाँ पहनते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चूड़ियाँ जो हैं वो मैच हो गई थी ड्रेस के साथ, बिल्कुल सेम वैसा ही शेड था जैसा ड्रेस का था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया था। इसके साथ की फर्दर और भी मैंने ज्वेलरी ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इयररिंग्स लिए हैं इसके साथ के, बहुत सारी मैचिंग की चीज़ें ली हैं। और इसके अलावा जी, ये वाली स्लीव्स का जो डिज़ाइन है ना, ये भी मैंने जो है वो देखा था पिंटरेस्ट से, तो आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं। अगर आप लोग अपने ड्रेसेस के वहाँ से देखना चाहते हो, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे जो है वो डिज़ाइन वहाँ से मिल जाएंगे। साथ इसके ये वाला लॉकेट था, जो कि बहुत अमेजिंग था, लाइट सा लॉकेट है, और ये इसके साथ मैच भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली इसका सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन है, और सिल्वर ज्वेलरी ही मैंने ली थी ताकि मेरे ड्रेस के साथ जो है वो मैच हो जाए। साथ इसके ना ये वाले रिंग्स थे, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। लाइट सी ज्वेलरी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और लिटरली पहने हुए भी बहुत अमेजिंग लगती है। इसके अलावा आपको मैं फर्दर इयर रिंग्स दिखाती हूँ। ये वाले मैंने सोचा था मैच नहीं होंगे इसके साथ, लेकिन मैच हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी इयर रिंग्स देखते हैं जो इसके साथ ज़्यादा अच्छे लगें, क्योंकि ड्रेस के साथ ना इयररिंग्स मैच करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने बहुत सारे डिफरेंट देखे और परचेज़ भी किए, मुझे लगा शायद ये वाले अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इयररिंग्स के हवाले से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से इयररिंग्स मैं इनके साथ मैच करूँ। इसके अलावा ये वाले भी थे, और ये थोड़े ब्लैक से शेड में हो जाएंगे, तो आई थिंक ये वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैं इनको ट्राई करूँगी। अगर ये अच्छे लगेंगे तो मैं इन्हीं को पहनूंगी। इसके अलावा ना मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो इस ड्रेस के साथ मैचिंग की मैंने ली हैं। जैसे जैसे रमज़ान जो है वो ख़त्म हो रहा है और ईद करीब आ रही है, तो बहुत ज़्यादा रश है बाहर, और इसी के साथ ही जो है वो आप लोग मार्केट्स वगैरह को देख लो, इतना ज़्यादा क्राउड है ना कि समझ ही नहीं आती कि इंसान क्या चीज़ ले। ये जी मेरी फर्स्ट डे की प्रिपरेशन है, बाकी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ जी, इसके साथ ये वाली मैंने पिंस ली हैं, जो कि बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सिल्वर कलर में मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने वाइट कलर की परचेज़ कर ली थी, मुझे लगा शायद वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और इसी के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी ये वाले गजरे, और ये वाले गजरे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसके ना फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के, और हर ड्रेस के साथ मैच हो जाएंगे। सो यस, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं इन्हें पहनूंगी। बेसिकली ये वाले ख़राब नहीं होते, किसी भी इवेंट पर जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, इसे पहन सकते हो, और पहने हुए अच्छे भी लगते हैं बहुत ज़्यादा। इसी के साथ ही जी, ये वाला मेरा फेवरेट वाला परफ्यूम है, जो कि प्रिंसेस का है, बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ना, और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही अच्छी है। इसे दराज से परचेज़ कर सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। सो जी, ये थी मेरी एक थोड़ी सी शॉपिंग, और जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ईद का ड्रेस और साथ ही ये ज्वेलरी, मैचिंग की बैंगल्स। इसके साथ ही जी, प्यारा सा लॉकेट है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी तो बहुत कुछ लेना बाकी है, मेरे जो है वो कुछ सैंडल्स रह गए हैं, वो मैंने लेने हैं, बट आई थिंक मैं उसे ऑनलाइन ही मंगवाऊँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रश है और ईद के दिन बहुत करीब हैं, और इतने रश के साथ शॉपिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर इस ड्रेस के डिटेल्स आप लोग देखना चाहोगे, तो इस ड्रेस की डिटेल्स आप लोगों को गुल अहमद की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, रीज़नेबल प्राइस के साथ है, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ईद के लिए तो बहुत अच्छा है मुझे। साथ ही चीज़, रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं, रमज़ान करीम का ये एक छोटा सा मेरे पास लैंप है, जो कि बहुत प्यारा है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था ना कि मैंने सोचा शेयर करूँगी। और रमज़ान बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, और बहुत अच्छा महीना गुजरा ये वाला। इसके साथ ही जी, एंड के डेज़ हैं, आप लोग जो है वो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आपको पसंद आई या नहीं आई। साथ ही जी, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल पर न्यू है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुँच सकें। बाकी रिकमेंड भी करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, एंड ऑल्सो ईद मुबारक इन एडवांस। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।